नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स जो मैट्रिक फाइनल कर चुके हैं और इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका डेट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उनका डेट नया डेट जारी हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आसपास दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो मैट्रिक बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक फाइनल कर चुके हैं और जो इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देखना होगा। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू यूजर हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए और बगल में घंटी वाला ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप घंटी का बटन दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को उस जो भी वीडियो हम डालेंगे बिहार बोर्ड की तरफ से, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, लाइव प्रूफ ले चलते हैं इंफॉर्मेशन के पास और आपको दिखाते हैं कि बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन कितने तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो गाइस देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने यहाँ पर ग्रुप में। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बिहार बोर्ड के, देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से यह ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है और मैं सभी छात्रों से अपील करूँगा कि यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फौरन ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम जो हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और टेलीग्राम ग्रुप में बिहार बोर्ड की तरफ से दोस्तों सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि बिहार बोर्ड की तरफ से हम जो भी नया नोटिफिकेशन जारी होता है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए, सभी दोस्तों को, और उस लिंक को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह शेयर करिए दोस्तों। जितने भी बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं सभी लोग ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहां पर देख सकते हैं बताया जा रहा है साफ तौर पर, देखिए सारी जानकारी आपको बिहार बोर्ड की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। बिहार बोर्ड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम इस चैनल पर न्यूज अपडेट डालते रहते हैं। देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट एडमिशन ऑनलाइन डेट जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा, जी हाँ कोई भी अपडेट आता है तो पटना के द्वारा ही आता है, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा बिहार इंटरमीडिएट एडमिशन की तिथि पूर्ण रूप से जो है निर्धारित कर दी गई थी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। लेकिन दोस्तों अब इसका जो डेट है, नया डेट जारी किया गया है, देखिए यहाँ पर नया डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जुलाई कर दिया गया। अब 1 जुलाई को कट कर दिया गया है और 10 जुलाई को भी कट कर दिया गया है। अब ये नया डेट जारी कर दिया गया है 8 जुलाई से 17 जुलाई तक, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट का एडमिशन होगा 8 जुलाई से स्टार्ट होगा और 17 जुलाई तक चलेगा। अब देखिए दोस्तों इसको बढ़ाकर 8 जुलाई से 17 जुलाई तक कर दिया गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2021 तक के लिए कर दी गई है, यानी जो भी छात्र 11वीं में अपना एडमिशन लेना चाहता है वह 8 जुलाई से 17 जुलाई तक उसके बीच अपना ऑनलाइन आवेदन OFSS बिहार पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। यानी आप लोगों को मालूम होगा कि एक ऑफिशियल पोर्टल है जिसका नेम है OFSS, ठीक है। OFSS के पोर्टल पे आप लोग एडमिशन के लिए ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं एडमिशन ऑनलाइन, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो छात्र OFSS के पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आपको बता दूंगा OFSS पोर्टल क्या होता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, 8 जुलाई से जब आपका एडमिशन ऑनलाइन शुरू होगा तो मैं आपको तुरंत ऑनलाइन करके भी बता दूंगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए और अपने दोस्तों को खास करके शेयर करिए फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर, सभी जगह, ठीक है। और आप लोग जितने भी जो न्यू यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए, आने वाली पल पल के अपडेट सबसे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और बिहार बोर्ड की तरफ से यदि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे मैसेज करिए कमेंट सेशन में, आपको उसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। तो सो गाइज यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो कैसी रही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।